प्राचीन काल के गुरु किस तरह हजारों मील दूर से एक दूसरे से बात कर पाते थे सिर्फ विचारों के जरिए। ये बिल्कुल आज के इंटरनेट की ही तरह है कि किस तरह एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से संपर्क करता है, अमेरिका में, यूरोप में या कहीं भी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसानी दिमाग को इस तरह ट्रेंड किया जा सकता है कि वे दूर बैठे लोगों के दिमाग पर असर डाल सके सिर्फ अपने ब्रेन को सही फ्रिक्वेंसी में ट्रेन करके? क्या ऐसा सच में संभव हो सकता है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर साइंस में बहुत सारे प्रूफ्स और एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसका साइंस के नजर में कोई भी प्रूफ्स या एक्सप्लेनेशंस नहीं होने के कारण विज्ञान उसे मानता ही नहीं है। उन चीजों में से एक टेलीपैथी भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि पुराने समय में भारत सहित कई देशों में संतों, साधु, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टेलीपैथी करते पाया गया है। टेलीपैथी वर्ड्स टू वर्ड्स टेली और पैथी से मिलकर बना है, जिसमें टेली का मतलब डिस्टेंस और पैथोस या पैथिया का मतलब फीलिंग, एक्सपीरियंस या परसेप्शंस होता है, यानी कि मानसिक दूरसंचार। इसमें कोई दो पर्संस दुनिया के अलग अलग दो जगहों में होने के बावजूद भी बिना किसी मीडियम या फिजिकल इंटरेक्शन के कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। टेलीपैथी के हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कई इंसिडेंट्स हैं जो इसे प्रूव ही नहीं करता है, बल्कि ये भी बताती है कि पहले टेलीपैथी का यूज एक आम बात थी। श्री युक्तेश्वर गिरी प्राचीन भारत के बहुत बड़े संत, जिन्हें अर्जेंटली कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, के लिए बुलावा आ गया था। इसके कुछ दिनों बाद श्री युक्तेश्वर गिरी का उनके दो स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कार्ड आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे वेडनेसडे की सुबह कोलकाता से रवाना होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें, यानी कि उनके दोनों स्टूडेंट्स जो कि परमहंस योगानंद और एक दूसरे से सेटाइजन है, उनको 9 बजे से रामपुर स्टेशन में मुझसे, यानी कि श्री युक्तेश्वर गुरु से मिलने के लिए जाना होगा। और वेडनेसडे की सुबह 9 बजे जब उन दोनों स्टूडेंट परमहंस योगानंद और टाइजन को अपने गुरु से मिलने के लिए जाना ही था कि करीब आधे घंटे पहले ही उनका एक टेलीपैथिक मैसेज फ्लैश होता है, जिसमें वे कहते हैं कि मुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए 9 बजे मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। इस मैसेज को सिर्फ परमहंस योगानंद ही समझ पाए और टाइजन को ये मैसेज बताने पर भी वह 9 बजे चला गया। और फिर लौटने पर गुरु युक्तेश्वर जी को बहुत अच्छा लगा कि उनके स्टूडेंट ने उनका ये टेलीपैथिक मैसेज पहचान लिया, जो कि एक ऐसा क्वालिटी है जिसे पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। इसके अलावा भगवत गीता में महाभारत का हाल बताने के लिए संजय ने धृतराष्ट्र के लिए टेलीपैथी का ही तो यूज किए थे। एंशिएंट इंडिया में तो टेलीपैथी के कई प्रूफ्स अवेलेबल हैं, लेकिन साइंस इस सब्जेक्ट पर आज तक मौन है। एक्चुअली में साइंस टेलीपैथी को साइंस नहीं मानता है, बल्कि ये इसे स्यूडो साइंस मानता है, मतलब कि एक ऐसा बिलीफ या विचारधारा जो कि साइंटिफिक है भी और नहीं भी। आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि जिस टेलीपैथी का यूज एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले ही होता था, उस टेलीपैथी का यूज मॉडर्न साइंस में हजारों साल बाद एग्जिस्टेंस में आया। टेलीपैथी जो वर्ड है वो मॉडर्न साइंस में 1882 में एक क्लासिकल स्कॉलर फ्रेडरिक W.H. मायर्स द्वारा ओरिजिनेटेड किया गया, जो कि SPR यानी कि सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च के फाउंडर थे। क्या आपको पता है कि जिस टेलीपैथी का यूज एंशिएंट इंडिया में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, उस टेलीपैथी के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कैसे हुआ? वेस्टर्न सिविलाइजेशन में टेलीपैथी के कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जब सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनी थी। ये कॉन्सेप्ट का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि पैरानॉर्मल फिनोमेना को और अच्छे तरीके से समझा और बारीकी से समझा जा सके। तो अब सवाल ये उठता है, क्या टेलीपैथी का यूज करके एक दूसरे के माइंड से कॉन्टेक्ट बैठा सकते हैं? आपके अंदर काफी ज्यादा टेलीपैथी सीखने के लिए डिजायर है, तो हाँ, आप अपने फ्रीक्वेंसी का यूज करके आप बड़े आसानी से अपने ब्रेन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपने दिमाग को ऐसा कर सकते हैं कि वो दूर जगह पर स्थित होके दूसरे दिमाग को आप उस पर असर डाल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टेलीपैथी सच में होता है? तो अभी तक तो साइंस भी इस विषय पर मौन है, हालांकि इस टॉपिक पर लगातार रिसर्च चल ही रहा है।
तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस साइंस पर बनाता रहता हूँ और नए नए मिस्ट्री टॉपिक लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। तो इसे देखते रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।